जयसिंहपुरा खोर में जेडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने पर विरोध। जयपुर जयसिंहपुरा खोर में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया। इस कार्यवाही में एक मंदिर के टूटने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी संख्या में जयसिंहपुरा थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जेडीए अधिकारियों और कर्मचारियों पर मंदिर को जानबूझकर तोड़ने का आरोप लगाया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी रोष है और उन्होंने थाने पर जमकर विरोध और नारेबाजी की। मौके पर पुलिस एसीपी शिवरतन गोदारा ने मोर्चा संभाला और उनके साथ कई थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेडीए द्वारा मंदिर को तोड़ना उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान है और उन्होंने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जेडीए का कहना है कि यह अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्यवाही थी और किसी धार्मिक स्थल को जानबूझकर नहीं तोड़ा गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है और अधिकारियों द्वारा शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। स्थानीय लोगों और जेडीए के बीच बातचीत जारी है ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। जयपुर से मोहम्मद नफीस की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। जहां मामला आज पहुंचे हैं हम जयसिंहपुरा खोर। मामला है कल जो जेडीए ने अपनी जो कार्रवाई की थी जो अवैध निर्माणों के चक्कर में, तो वहीं कहीं ना कहीं एक मामला उसमें विवादित बनता जा रहा है। उस कार्रवाई के अंदर एक मंदिर की जो मंदिर था जो कहीं ना कहीं वो निगम जेडीए अधिकारियों के द्वारा वो टूट जाता है, तो उसी के विरोध में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग और जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता थे तो उस मंदिर के टूटने के विरोध में यहाँ थाने पर पहुँच चुके हैं। हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। क्या नाम है आपका सर? ओम प्रकाश सैनी। ओम प्रकाश जी, क्या विवाद है, क्या मामला है पूरा? विवाद कुछ ही नहीं है। कल हवामहल विधानसभा में जयसिंहपुरा खोर बंदड़ा में आनंद विहार कॉलोनी का नाम है, जो 30 साल पुरानी कॉलोनी है, जहाँ पे 15 साल 20 साल से लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कल जेडी द्वारा कार्रवाई की गई अवैध कॉलोनी का नाम देते हुए। लेकिन उस कॉलोनी में कार्रवाई करते करते इन्होंने एक शिव मंदिर का चबूतरा तोड़ दिया गया, द्वारपाल जी की मूर्ति खंडित कर दी गई, शीतला माता की मूर्तियों को जमींदोज कर दिया गया। हम इसी एकतरफा कार्रवाई की और व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई की पूर्ण निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस सीआई के नेतृत्व में ये जेडी की कार्रवाई हुई है उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। क्योंकि जब जेडी की वहाँ हुई है तो इस क्षेत्र में हवामहल और आमेर विधानसभा में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो अवैध कॉलोनियाँ हैं। आप सबको ज्ञात होगा जो चुंगी पे बंगाली बाबा से लेकर संकट मोचन के बीच में जो मस्जिद के आड़ में व्यापार चल रहा है वो भी एक सरकारी भूमि पर है। 200 बीघा जमीन जो कब्रिस्तान के नाम पर दिल्ली रोड पे काबिज कर ली गई वो भी एक सरकारी भूमि है। पर जैसे ये जो कार्रवाई हुई है ये तो सरकार के जेडीए के हुई है, तो इसमें जाति या सांप्रदायिक का तो कोई मामला आता नहीं है? नहीं, मंदिर तोड़ा गया है तो सांप्रदाय तो सौभाग्य बात है कि होना ही होना है। ऐसे तो बहुत सी मस्जिदें अवैध हैं, जेडीए ने कितनी तोड़ दी, कितनी मेन रोड से हटा दी, फिर ऐसा हिंदुओं के साथ ही क्यों? यदि कार्रवाई करनी थी तो 15 दिन 20 दिन पहले एक लीगल नोटिस दिया जाता। आपके स्थानीय विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, उन्हों की तरफ से क्या प्रक्रिया आई? विधानसभा चल रही है, उनके संज्ञान में हमने पूरा मामला कल ही रख दिया था। वो जैसे विधानसभा खत्म होंगी तो उनके मामला है, वो विधानसभा में भी हो सकता है क्वेश्चन लगा दे इसका, जो अवैध कार्रवाई हुई है। बाकी मंदिर निर्माण कोई तोड़ा जाए इसको तो हम किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे थाने का घेराव करना पड़े, चाहे जेडीए का घेराव करना पड़े, चाहे कमिश्नरेट का घेराव करना पड़े, बाकी मंदिर तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कार्रवाई करनी है करिए, मगर दोनों तरफ बराबर समानता के साथ कार्रवाई कीजिए, एक तरफ कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे जाके क्या आप लोगों का मुद्दा रहेगा, आगे जाके क्या कार्रवाई करने की तैयारी में हो अगर जेडी अपनी बात नहीं मानता है तो? जेडी के अधिकारी ने तोड़ा है, उसकी तनख्वाह से उस मंदिर को बनाया जाए। सबसे अधिकारी का नाम पता है आपको? हाँ, है कोई सपना पूनिया है मैडम, कोई रामोतार जी हैं, जो भी हैं, जो इस हल्के का होगा, जो जोन 10 में जो भी हैं, वो अपने आप उसके पैसे से पहले, सबसे पहले उसके पैसे उसकी तनख्वाह में से मंदिर बनाया जाए, नहीं तो इसको बर्खास्त तोड़ करें, जेडीए की ईंट सीट बजा देंगे। काम यही है, नहीं माना। रही एक मिनट, रही अवैध की बात तो शारदा कॉलोनी के पीछे, एक मिनट, शारदा रही बात इन जो जनताओं का जो घर तोड़ा गया है, आप बता रहे हो कि अवैध है, 20 साल पुरानी कॉलोनी है। आप शारदा कॉलोनी के जस्ट पीछे जाके देखो, बीच से होकर सड़वा रोड जा रहा है, वहाँ
वहाँ कांग्रेस सरकार ने सीसी रोड बना दिया, वो डूंगर खोद खोद के मकान, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, उसको क्यों ना बेचा है? वो अवैध नहीं है क्या? आपको वो अवैध नहीं दिखता? आपको शास्त्री नगर के नाले में बस गए, भट्टा बस्ती बस गया, वो अवैध नहीं है क्या? ये हमारे हिंदुओं का अवैध हो गया, 20 साल पुरानी कॉलोनी है, उसके चक्कर में आपने शिव मंदिर तोड़ दिया, ये कौन सी आपकी नीति आ गई? आगे के लिए बड़े बड़े ढूंढ क्या बड़े नहीं बड़े क्या जेडीए अधिकारी क्या माइनॉरिटी से डरते हैं या पर सरकार तो बीजेपी की है? अरे तो बीजेपी के तो वही तो कह रहा हूँ, अधिकारी यहाँ खुद वो बैठे हैं, रिश्वत खोर बैठे हैं। कांग्रेस वालों की है ना मानसिकता, तो वही है, अभी अधिकारी बदले थोड़ी है, मानसिकता वही है। तो जैसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जनता का विरोध वो देखने को मिल रहा है, साफ साफ कह अगर किस अधिकारी ने पे जो तोड़ा फोड़ी की है, अगर वो जल्द इस मंदिर पर कार्रवाई, इस मंदिर को बना के तैयार नहीं किया जाता है तो इसका अंजाम जेडीए भुगतने को तैयार रहे। कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर। आज मानवाद क्षेत्र के कुछ लोग हैं वो पुलिस थाना कोर्ट पे आए थे और उनकी से ये थे कि जेडीए के कार्रवाई की गई थी, तो उस कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता नहीं बरतने और किसी धार्मिक स्थल के कुछ चबूतरे को या कुछ भी को नुकसान पहुँचाने के संबंध में अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उस संबंध में जो कार्रवाई है वो जेडीए के द्वारा की गई है, उनका जो ज्ञापन आया है उस संबंध में जो है हम अनुसार जाँच करेंगे और शिकायत करेंगे। जैसे कि सर देखा कि महिला पर मारपीट हुई है, महिलाओं के साथ मारपीट का जो प्रश्न है, ऐसी कोई मारपीट वहाँ नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ स्थानीय पुलिस भी साथ में थी और दौरान वो जो है वो किसी मतलब को डहाने के दौरान यदि किसी की लड़की हो तो ऐसी कोई बात महिला ने कोई हमारे को कोई या मानसिक कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया और जो सामूहिक प्रार्थना पत्र दिया है उसके अंदर कोई चोटों का हवाला भी नहीं है और फिर भी यदि कोई ऐसी बात आती है तो उसकी भी नियमानुसार जांच की जाएगी। कुछ लोगों को अभी देखा गया है एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है जबकि ये कार्रवाई जेडीए की थी। इसमें जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो जेडीए अनुमति आती है और पुलिस की जहाँ आवश्यकता अगर महसूस करे वहाँ पुलिस सुविधा दी जाती है। अब कार्रवाई के दौरान जो है वो किसी वर्ग विशेष या उस पर कोई या तो जेडीए का फोकस होता है या स्थानीय पुलिस का।